झटकू के झटके से हुए सब परेशान। काले घने रात है, इस रात में मैं हूँ अकेला, बस ये टिमटिमाते तारे मेरे साथ है। आ? तो टूटता तारा, आओ, ये टूटता तारा नहीं है, ये तो एलियन स्पेसशिप। आओ। आओ, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ देने आई है एलियन परी। हाओ, एक मिनट, ये सपना तो नहीं है। अरे रे 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 रे, ये हकीकत है, असली की परी है जोजो। हाय मोहतरमा, आप कैसी है? बंदे को मैजिक मास्टर जोजो कहते हैं। आप चाहे तो आज मेरे साथ घूम सकती है। अरे रे 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 हाय, 440 वोल्ट का झटका। मैंने कहा ना डार्लिंग, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब तो माफ करना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, आप सुबह सुबह एमके गया? हाँ, वो एमके बॉस का फोन आया था कि किसी को बिजली के झटके से शॉक लगा है, चीख मार के। हाँ, फिर से झटके लग रहे हैं। हेलो डॉक्टर अंकल, जल्दी आ गए आप। अरे यार एमके, तुझे फिर से शॉक लग गया क्या? अरे नहीं यार ऋतिक, मुझे नहीं, जो जो पता नहीं कहाँ से भून कर आया है। ऐसी हालत मैंने किसी की बरसों बाद देखी है, चीख मार के। डॉक्टर अंकल, क्या हुआ इसे? एक लड़की ने इसे दीवानेपन का झटका दिया है, चीख मार के। आइला, ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर अंकल? नहीं बॉस, ये सच है। जोजो, कौन थी वो लड़की बेटा? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो तारों के बीच से मेरे सामने आई, फिर एक पल मैं उसके सामने था और दूसरे पल यहाँ, लेकिन हम दोनों का मिलन ना हो सका। क्या मुसीबत है यार। डॉक्टर अंकल, जल्दी से कोई इलाज बताइए, वरना जोजो तो गया काम से। इस घंटी को बजाओ, वो तुम्हें जरूर मिलेगी, चीख मार के। क्या? ये घंटी बजाने से जोजो ठीक हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? तुम्हें मेरे इलाज पर शक हो रहा है, चल रहे जा। जोजो को इसे तब तक बजाना होगा जब तक वो लड़की इसके सामने नहीं आ जाती, और जोजो की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, चीख मार के। क्या मजाक कर रहे हैं डॉक्टर, जोजो को ये लगातार बजाना पड़ेगा क्या? अरे भाई, लड़की का मामला है, जोजो को थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, चीख मार के। ये शोर रात भर चलेगा क्या? अब तो मेरा भी सर दर्द से फटा जा रहा है, कोई कुछ करो यार। क्या हो भेजा? घंटी ने काम कर दिया बॉस, जोजो वाली लड़की भी स्पेसशिप से ही निकली थी, है ना? हाँ यार। अब समझ में आया जोजो का ऐसा हाल क्यों हुआ। मुझे लगा झटका, तू कहाँ से टपका? मैं कहाँ से टपका ये जरूरी नहीं, पहले बताओ कैसा था मेरा झटका। अबे झटका, दू क्या तेरे को फटका, चुपचाप बता कौन है तू? मेरा नाम झटकू है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। ये लो। आइला, सोने का अंडा। इसे फेंक कर देखो, कसम से मजा आ जाएगा। क्या बात कर रहा है यार। आइला, इसमें से तो बिजली कड़क रही है यार, भागो। हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को बिजली का झटका देने की? उन्हें डर लगता है। डर लगता है? और नहीं तो क्या, जब भी बिजली कड़कती है वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तब तो झटकू बेटा, आज तो मजा आने वाला है। अबे बटले, चाहता क्या है तू, हम तेरे हाथ पैर दबाए क्या? अरे नहीं, मेरे पैरों को मत छूना, मुझे गुदगुदी होती है। अबे गुदगुदी के बच्चे, चुपचाप निकल ले यहाँ से। सोच लो। ठीक है ठीक है, हम वही करेंगे जो तू चाहता है, रख इसे। ये हुई ना बात, पहले मेरी भूख का कुछ करो यार। भूख? अब मैं इस झटकू को क्या खिलाऊं? बेटा कुछ झटकेदार खिला, झटकेदार। झटकेदार? अबे हाँ, जो तेरी समझ में आए वो बना, मेरा दिमाग मत खा।
कुछ झटकेदार बनाना है तो मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है, भेजा इसमें बहुत सारी काली मिर्च डाल दो। डालो डालो और डालो और डालो और डालो, पूरा डाल दो। इतना डालो कि उस झटकू के बच्चे को भी एक जोरदार झटका लग जाए। बटले जरा संभाल गया, हाथ से फिसल ना जाए। अबे तू तो बहुत ही डरपोक है। लाइफ में पहली बार मुझे किसी ने डरपोक बोला है। खाना तैयार है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वाह बड़ा अच्छा दिख रहा है। बहुत मिर्ची है। मैंने सोचा तुम्हें मिर्ची पसंद है। वैसे मुझे पसंद तो बहुत है पर आज खाने का मूड नहीं है। मतलब इतनी मेहनत करके जो खाना मैंने बनाया वो अब किसी काम का नहीं। इतनी मेहनत की है तो खुद ही खा लो ना। क्या मैं खा लूं? हाँ, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ ठीक है पर भूख नहीं है। अच्छा कहीं तुम मुझे जहर तो नहीं देना चाहते थे ना? अब तो मुझे खाकर दिखाना ही पड़ेगा। तुम रुक क्यों गए? कुछ यही स्वाद ले लेकर खा रहा हूँ। जब किसी को ऐसे झटके लगते हैं ना तो वो देखकर मुझे बहुत ही मजा आता है। दोस्तों क्यों ना खाने के बाद थोड़ी स्वीट डिश हो जाए, मजा आ जाएगा। अब तो मैं तुझे ठेंगा खिलाऊंगा झटकू राम। अरे पूनम का चांद। कोई और है? अबे बटले वापस अपने प्लैनेट क्यों नहीं चला जाता तू? अरे क्या मस्ती है, ये तो जबरदस्ती है यार। अरे नहीं, अगर मैं वापस चला जाऊंगा तो इतने मजे कहाँ कर पाऊंगा। मेरे प्लैनेट में सभी मेरी तरह है पर यहाँ सब मुझसे कमजोर है। मैं यहाँ का राजा बनूंगा और तुम सब गुलाम। बॉस मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या करें, इसके पास ऐसी पावर है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप ही बताइए इससे कैसे छुटकारा पाए। मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। काश जोजो उठ जाता तो वो जरूर हमारी मदद करता। अरे हाँ मैं तो उसे भूल ही गया था, अभी उसे उठाता हूँ। अरे यार अब तो इसे बजाना छोड़ दे जोजो। नहीं बॉस, मैं तब तक बजाता रहूंगा जब तक मुझे लेडी जोजो नहीं मिल जाती है। है? क्या पहले जिंदगी में कितना अकेला था पर अब ऐसा नहीं लगता। आपके बच्चे तू अब भी अकेला ही है क्योंकि वो लेडी जोजो झटकू बन गई है। झटकू है वो, चाहे जो भी बन गई है वो सिर्फ मेरी है। आइला ये तो गया यार, अब तो हम गए काम से। क्या बॉस जोजो ने उठने से मना कर दिया? अरे हाँ यार, वो तो कह रहा है वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे उसकी सपनों की रानी नहीं मिल जाती। उसके सपनों की रानी तो ये झटकू है। अरे मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की मेरे भाई, पर वो तो दीवाना बना बैठा है दीवाना। अरे अब तो हम सच में फंस गए। अरे ऐसे कैसे फंस गए चल रहे जा, उसकी मॉन्स्टर्स वाली किताब तो मेरे पास है, अभी फटाफट जाकर डॉक्टर अंकल से पूछता हूँ, क्या पता वही हमारी कुछ मदद कर दे। यहाँ उस झटकू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है चीख मार के। क्या टाइम पास कर रहे अंकल, मतलब अच्छे से देखिए ना, कुछ तो कमजोरी होगी उसकी। वो तो बिजली के झटके देता है ना चीख मार के। और हाँ अंकल वो अंडा भी फोड़ता है, अंडा गोल्डन एग। नहीं पहले वो अंडा फोड़ता है जिससे धुआं निकलता है और फिर बिजली का झटका लगता है चीख मार के। माय डियर अंकल मैंने कुछ अलग तो नहीं बोला था ना? हाँ हाँ पर जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है और आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका तो आप जानते हैं ना चीख मार के। ऑफ कोर्स, पानी पानी, बस एक बार मौका मिल जाए फिर अचानक से उस पर पानी फेंक दूंगा। हाँ बॉस उससे ये झटकू जल्दी ठंडा हो जाएगा चीख मार के। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, बस बहुत हो गया उस बटले की खातिरदारी। लेकिन अगर उसने फिर से हमारे ऊपर सुनहरे अंडे फेंके तो? मेरे पास एक ढासू प्लान है उससे छुटकारा पाने का। इधर 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 इधर। अटैक, भागने न पाए। आइला किधर गए? तुम्हें क्या लगा मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा पालोगे? हाँ ऐसा नहीं हो सकता। बस एक बार ये झटकू मेरे सामने आ जाए उसकी तो मैं। नहीं बॉस आप टेंशन मत लीजिए, इस बार जैसे ही वो दिखा समझो वो गया। चल रे जय एक काम कर है? उस तस्वीर पर स्प्रे कर। बॉस ऐसे तो ये तस्वीर खराब हो जाएगी। क्या कर रहे हो? रुको, मत करो मत करो। तुम सबको आग से खेलने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है बस बहुत हो गया। हाँ?
तुझे भगाने का काम आखिर मुझे ही करना पड़ा बटले। झटकू तो एक झटके में उड़ गया। माय डियर डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपका आइडिया तो कमाल का था चीख मार के। कभी कभी दिमाग चलाना ही पड़ता है चीख मार के। अगर आप हमेशा चलाते तो आप एमके होते। एमके? सही कहा, लेकिन मैं तो डॉक्टर ही रहना चाहता हूँ। अच्छा, अपने जोजो के क्या हाल है चीख मार के? आइला, उसे तो हम भूल ही गए यार। ओ मेरे जाने मन, मेरे पास वापस आ जाओ मेरी जिंदगी, तुम्हारे बिना तुम्हारा ये जोजो नहीं जी पाएगा। ओ मेरे जाने मन, वापस आ जाओ। एलियन साइंटिस्ट की सबसे ताकतवर इन्वेंशन। भेजा, पूरी पिक्चर देख ली, अब दी एंड पे क्यों डर रहा है तू? हाँ, हमारे दोस्त जैसा कोई नहीं है, तू ही सबसे ताकतवर है भेजा। और नहीं तो क्या भेजा, तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तेरे जैसा दोस्त भी किसी के पास नहीं है भेजा। अगर तुम ये पिक्चर देख कर सच में डर गए हो तो तुम बाहर घूमने जा सकते हो, इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके दोस्त जोजो को एक खास ऐलान करना है। तो दोस्तों, आप सभी के चहेते सबसे प्यारे और सबसे दुलारे जोजो ने यह फैसला किया है कि वो आने वाला इलेक्शन में आपके शहर के मेयर पोस्ट के लिए खड़ा होने वाला है। जोजो, अगर मैं वोट दे सकता तो तुझे ही वोट देता बेटा। आपका कहना ही काफी है बॉस, मुझे आप जैसे लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। ऋतिक मेरे भाई, इतने सुबह सुबह कहाँ निकला तू? बस मैं अपने आंटी के घर कुछ देने जा रहा था। एमके, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो बस यूं ही निकले थे यार। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि हम भी तेरे साथ तेरी आंटी के घर चले, क्या बोलता है? चल रे जा, एक काम करना, ऋतिक की पोटली उठाने में उसकी मदद करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बॉस। चल रे जा, शुक्रिया, बहुत भारी हो रहा था। भाग हम रहे थे या वो? इसके टकराने के बाद पोटली इतनी भारी क्यों लग रही है? अरे ये क्या, ये तो मेरी पोटली नहीं मुझे है। मुझे लगता है वो आदमी गलत पोटली ले गया। अच्छा एक मिनट, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। छोड़ो छोड़ो मुझे शैतान करके। ये कौन? Who is this? ऋतिक, तेरी पोटली तो अब नहीं मिलने वाली। हाँ क्या यार, मैं अपने आंटी के लिए खास माल बॉय बनाए थे। अरे टेंशन मत ले यार, तेरी आंटी के लिए कुछ और लेके जाते ना। अरे नहीं नहीं, मेरी आंटी बीमार है ना, और ये मालपुए खाने से उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। एमके, आई गॉट एन आइडिया, एक काम करते, मिठाई की दुकान से लेके जाते, क्या बोलता है? ऐसा भूल के भी मत करना, मॉम के हाथों का स्वाद आंटी को पता है। एमके, क्यों ना हम पोटली खोलकर देखें कि इसमें क्या है। अरे हाँ यार, इस पोटली के बारे में तो मैं भूल ही गया, चलना खोलना। हाँ हाँ अभी खोलता हूँ बॉस। आइला भेजा, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। ए, किस गुस्ताख की हिम्मत हुई गुस्ताखी करने के? भेजा, क्या तूने पहले कभी इसे कहीं देखा है? अच्छा, इस आदमी को पहचानते हो? उसी के पास ये खोपड़ी थी बॉस, हमें पहले उसी को ढूंढना चाहिए। सही कहा चल रही जा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार, गड़बड़। तो भेजा क्या बोलता है, चले उसे ढूंढने? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोजो, और आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इस बार मेयर इलेक्शन में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं शहर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ भी करूंगा, तो आप लोग अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताए। कैसे हो भेजा, चौंक क्यों रहा है? कभी किसी खोपड़ी को बात करते नहीं देखा क्या? कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों एक ही जैसे हैं, फिर भी तुझे मैं अजीब लग रहा हूँ। तुझे इन लोगों ने कैद कर रखा है ना?
तो ठीक है, मेरे साथ मेरे महल चल, वहाँ बैठकर आराम से बातें करेंगे। जनता बेवकूफ होती है, मुझे हवा से कैंपेनिंग करनी चाहिए। यह आइडिया पहले दिमाग में क्यों नहीं आया? दोस्तों, जोजो को भारी मतों से विजयी बनाए। ये भेजा कहाँ जा रहा है? अरे बॉस भी उसके पीछे है। हेलो बॉस, बॉस इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? बॉस भेजा बिना बताए उस खोपड़ी के साथ घर से निकला है, मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ यार। पौर के पैया सच्चे, अब देखिए जोजो की जासूसी। यह तो उस महल की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है वह किसी के वश में है बॉस। दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, मैंने कोड डाला है, खुल जा छम छम। छम छम मेरी बीवी का नाम है, हमेशा याद रहता है। हचके बचके, भेजा जैसा सुना था वैसा ही हट्टे कट्टे हो तुम। अरे तुम मेरी नई इन्वेंशन से तो मिल ही चुके हो, ये दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर है। अब जाकर अधूरापन खत्म हुआ। तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल चुका है, तो चलो अब तुम अपने ताकतवर होने का सबूत दे दो। सबसे ताकतवर मॉन्स्टर तो मैं ही हूँ। एक ही गुस्से में गया। तो बोल, मानता है दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर मैं हूँ? सच कहता हूँ जोजो, अगर इसने भेजा को कुछ किया ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भरोसा रखो बॉस, भेजा सब संभाल लेगा। क्यों भेजा, अभी भी मेरे सामने दुम दिखाएगा या दुम दबाकर भागना चाहता है? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे तुम पर नाज है मेरे मॉन्स्टर, अब इसे हाथ काटे। भी क्या जल्दी है अंकल, ये छुटकू यहाँ कैसे? ये छुटकू तेरा भी बॉस है समझा? अब चल झुककर सलाम कर, वरना ठीक नहीं होगा। दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर किसी पिद्दी के सामने नहीं झुकने वाला, समझे? अच्छा, तो तू खुद को सबसे ताकतवर समझता है? अरे अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। कमजोरों से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। लगता है तू अपने ही शक्ल वाले से लड़ता है। एक मिनट रुक, अभी दिखाता हूँ। ये देख, अभी अपने भेजे पे जोर डाल और इस भेजे से लड़। चेहरा बदलने से ताकत नहीं आती चूजे, जा बॉडी बना करा। तू ऐसे नहीं मानेगा, देख मेरे 5 किलो के हाथ का कमाल। अरे एमके की ताकत नहीं जानता तू। अरे भेजा छोड़ मुझे, तो पित्र को दिक्कत। अरे नहीं नहीं, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ये मेरी जिंदगी है, इसे छोड़ दो। अरे तो काबू में रखो इसे। तुमने ऐसा घटिया इन्वेंशन किया है, इससे पता चलता है कि तुम कितने घटिया हो, समझ गए टकले? मुझसे गलती हो गई बॉस, मैं इसका सर्किट बदल कर ठीक कर दूंगा। प्लीज आप थोड़ा ठंडा पीकर शांत हो जाइए, आइए ना मेरे कमरे में चलिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया जोश था। चलो देर से ही सही डॉक्टर अंकल, लेकिन तुम्हें अकल तो आई। अरे है क्यों हंस रहे हैं? मैं इस दुनिया का साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया पर कब्जा करने आया हूँ। अच्छा, तो तूने हमें धोखा दिया। अरे जोजो, लगता है इसने जूस में कुछ मिलाया था यार। हाँ एमके, और अब देखना मैं कैसे तुम्हारी पावर छीन कर इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बनूंगा और इस दुनिया को अपना गुलाम बना लूंगा। भेजा तो तुम लोगों को यहाँ तक लाने का सिर्फ एक जरिया था। देख लेना, तू कभी कामयाब नहीं होगा। सर मुझे अब नया चेहरा देना, इस चेहरे से बोर हो गया हूँ। जरूर, चेहरे के साथ नई पावर भी मिलेगी। ये भेजा कहाँ चला गया? डर कर भाग गया होगा बॉस। देखना कहीं हमारे पुर्जों के कमरे में तो नहीं। आंखें और कान डब्बे में रखना।
चोर कहीं के। देखते हैं मेरा मुन्ना सामने वाले का गुस्सा झेल पाता है या नहीं। अलॉइंटमेंट किया है मैंने। मेरी नाक टूट गई, बदल दो डॉक्टर। आज के बाद फिर कभी यहाँ दिखाई दिया तो याद रखना। जी बॉस, अब दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। चुपचाप अपने स्पेसशिप में बैठकर निकल लो, चलो। हम तुमसे डर जाएंगे, हम जरूर लौटेंगे, हम हार नहीं मानेंगे चूजे। अरे ये क्या, इलेक्शन में खड़े होने के लिए खुद का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। अब ऑफिस कहाँ से लाओ? हैं? तो तूने पहले क्यों नहीं सोचा यार? छोड़ना जोजो, इलेक्शन लड़ना हम मॉन्स्टर्स का काम नहीं है। बस बहुत हो गया। तुम क्या कहते हो भेजा, जोजो का मेयर का इलेक्शन लड़ने का आइडिया सही था? भेजा को जब खुद के जैसा कोई दिखा तो वो खुश हो गया था, पर जब से इसे उसकी असलियत पता चली है तब से ये दुखी है। पता नहीं वो खुद को अकेला क्यों समझता है।